आज की ये अच्छी बात है, आज मैंने ये नया सॉफ्टवेयर सीखा। इसके अंदर एक आसानी से ड्राइंग हो सकती है। ओके, एक पार्ट यहाँ पर एक पढ़ा जाएगा, ड्राइंग हो सकती है। इसके एप्लीकेशंस तो कमाल के हैं ही। वो बोलता है कि स्केल ले लो और आप चेक कर लो कि आपने यहाँ पर 30 डिग्री वाला स्केल लिया था कि नहीं था। दिस वॉज 30 डिग्री। इसके अलावा इसके अंदर एक रोलर है कि आप चेक कर लो रोलर को लिया आपने कि वो आपका एंगल कितना है। सो दिस वॉज अलियर, यहाँ तक की लाइन खींचनी है, बाद में बढ़ा लीजिएगा। उसके अंदर 10.5 की लाइन है। इस लाइन को यहाँ से पकड़िए और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजर कर दीजिए। जब आपको स्केल कहीं और चले, इसको पकड़ के कहीं और ले जाइए और लाइन खींचनी है अपने को। ठीक है, लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल में लाइन खींचनी है। कितना? 100 सेंटीमीटर। इसको जब 100 सेंटीमीटर किया, यहाँ मार्क किया हुआ तो ये 100 यहाँ पर आएगा। ये यहाँ पर रखा मैंने स्केल, मैंने फिर वो लाइन ली और यहाँ से उस लाइन को खींच लिया, तो ये सेंट्रिक हो गया। ओके, मैं इसको स्केल को हटा दिया मेरे। अब इस लेग को, ये जो पर्टिकुलर लेग रखा हुआ है, यहाँ से मुझको एक आर्क काटना है। आर्क काटने का तरीका ही बड़ा शानदार दिया हुआ है। एक कंपास लिया, कंपास की लेग को यहाँ रखा, ये पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को पहले इसके बराबर कर लें, लेग के बराबर, और इसको जैसे ही पॉइंट आ जाए, ये आर्क कट गया। इस आर्क कटिंग जगह पर ही मेरे को काम करना है। ये हटा दिया, अब ये टूल मैंने साइड से हटा दिया, ये टूल का काम भी हो गया। उफ, हमको मैच करवाना है अब। तो ये लाइन जो है यहाँ पर मैच कर रही है, ये पॉइंट यहाँ मैच कर रहा है, और ये एक्सटेंड करके जाएगा, ये पॉइंट यहाँ मैच करेगा। इस रिकॉर्डिंग